आप लोग। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जल की बेल की शरबत बना रही हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And मैं करेले का भरवा बनाने जा रही हूँ। तो ये लहसुन, ये प्याज, प्याज को मैं फ्राई करूंगी। और यहाँ पे करेला उबाल के मैंने रखा है, उबाल रही हूँ सॉरी। और ये सरसों है, क्योंकि सरसों तो करेले में ज़रूरी है डालना। तो मिर्चा मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ही, क्योंकि ये खुद ही कड़वा होता है, इसलिए हल्का तीखापन आना चाहिए। लहसुन, और मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मेरा करेला जो है उबल के तैयार हो गया है, बॉईल करके, और मैं जो इसको खोखला कर दूँ अंदर से, ताकि मैं मसाले को भून के इसमें डाल सकूँ। बॉईल होने के बाद फिर मैंने इसको देखिए ऐसे खाली कर लिया है, रखा है चाकू की मदद से, जो है निकाल दिया है रखी हूँ चाकू की मदद से। इस बीज को भी मसाले में भून सकते हैं, लेकिन पालक को नहीं पसंद है, और ये प्याज मैंने काट के रखा है। तो मसाला पहले इसका भूनते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने, अब मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म किया है, और ये प्याज को भूनूंगी। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, जैसे कि सभी मसाला भूनने के बाद जो मसाला है हम इसमें मैं कैसे बनाती हूँ वही आपके साथ में। तेल गर्म हो गया है, और मैं इसमें जो है पहले प्याज डाल, प्याज को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और ये मेरा इतना प्याज इसलिए है क्योंकि मैंने अपने मेरे जो जितनी करेला है उसी के हिसाब से रखी हूँ। इसको हम गोल्डन होने तक भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें और भी मसाला भी डालना है, तो थोड़ा पका जैसा हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते हैं। हम थोड़ा सा दूर ही रखना है, हल्का देखिए हल्का हल्का जो मसाला है प्याज, और इधर मैं सरसों और लहसुन मिर्चा का पेस्ट वो हम इसमें पहले डाल देते हैं, ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। इसके बाद अब फिर इसको भूनूंगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा जो मसाला, बहुत इनके बाद आज मन किया कि बनाएं। इसमें हम थोड़ा हल्दी डाल देते हैं, जीरा, गोल मिर्च जो है वो ज़्यादा तीखा नहीं डालेंगे, मिर्चा पहले से डाले हैं इसलिए, आपने देखा होगा। और नमक अपने हिसाब से, नमक स्वाद अनुसार जितना मेरा करेला है उसी हिसाब से नमक डाल दिया। तब तक भूनेंगे जब तक कि मेरा अच्छे से सरसों जो पक के एक सोंधी सोंधी सी अच्छी सरसों की भुनी हुई आने ना लगे तब तक हम इसको भुनेंगे। उसमें से थोड़ा सा ये नींबू डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास इमली नहीं है, तो हल्का सा नींबू मैंने डाला है ताकि कड़वाहट ना रहे, मेरा करेला कड़वा ना लगे उतना। तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। मैं एक नींबू का इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कड़वा उतना पसंद नहीं है, काफी है तो सही रहेगा। भूनते भूनते देखिए मेरा जो है पूरा कढ़ाही छोड़ने लगा ये तेल, साइड साइड से देखिए मसाला भूनने के बाद एकदम कढ़ाही जो है हल्का हल्का लग गया है। जब तक किस कढ़ाही में तेल मेरा आने लगा, और साइड साइड से मेरे देखिए कढ़ाही भी तो हमने लाल जैसा हो गया, मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। इसको ठंडा होने देंगे, ये हमारा बहुत अच्छे से हमने भून लिया मसाले को। अब ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे, और ये मसाले को हम इसके अंदर और इसमें डाल डाल के भरेंगे। और इसका जो मैंने बीज निकाला था वो मैंने फेंक दिया है, इसलिए फेंका है ये उस बीज को भी आप इस मसाले में डाल के भून सकते हैं, पर मेरी बेटी को नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं डाला।
तो ये सिर्फ मसाला मेरे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको भूनती हूँ। किचन की जगह यहाँ पे भी ये मेरा गेस्ट रूम बोलिए या जो भी बोलिए आगे वाली रूम में आ गई हूँ ताकि मैं इसमें भर सकूँ थोड़ा थोड़ा करके इसमें, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहता, यहाँ पे वही थोड़ा सा जगह है तो आराम से बैठ के सोची कि भर लूँ। और हस्बैंड जी को भी मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि मुझे अरे वो चुटकी बजाते हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। और ये मेरा जो है पूरा ये बन के तैयार हो गया, इसमें मैंने भर लिया है पूरा करेले को अच्छे से। मैंने फिर से कढ़ाई में तेल गरम किया है और धीरे धीरे करके जो मेरा भरवा है, मैं फिर से किचन में आ गई और कढ़ाई को थोड़ा सा धो लिया क्योंकि काला हो गया था, तल दूंगी। ये बात तेल गरम करके और ये भरे करेले को मैं इसमें तलूंगी हल्का धीमा आंच पे क्योंकि पहले से ये बॉयल है, अगर आज हम फुल कर देते हैं तो जल जाएगा। हल्का हल्का उलट पुलट करके पकाएंगे ताकि वो जले भी नहीं, आपको लगे नहीं कि और पहले से बॉयल है इसलिए बहुत जल्दी अब ये बन के तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे ढक दी हूँ और एक बार चेक कर रही हूँ ताकि मेरा बना कि नहीं। दो बार तो पलटना ही पड़ता है क्योंकि एक जगह कच्चा रह जाएगा एक जगह पक जाएगा, तो इसलिए फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। और ये मेरा बनके तैयार हो गया और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी शाम के समय हो रहे हैं, समय तो हो रहे हैं चाय पीने के, लेकिन मेरे पतिदेव मार्केट गए थे तो ये क्या बोलते हैं इसको बेल बोलते हैं ना, लेके आए हैं इसका शरबत, इनको पीना है। और बहुत दिन के बाद मेरे घर में आया है, मत समझ लीजिए इस घर में मैं पता नहीं शायद फर्स्ट टाइम आया है, मिलता नहीं है या पता नहीं, फर्स्ट टाइम आया है मेरे घर में। तो इसका शरबत बनाने के लिए पहले मैं इसको तोड़ के, इसके खोपड़ी को तोड़ के इसका जो वो है अंदर का निकालती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ बेल का शरबत। सोम्या को याद नहीं है लेकिन हम शरबत तो बनाते हैं ना। अरे इसको छन्नी में छान के बनाएंगे, उसका नहीं आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, नहीं निकलेगा, एकदम सिंपल सा निकलेगा। हाँ इस बार पहली बार आया है ना गर्मी में, इस पलक तो नहीं पिएंगे हम लोग, पिएंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा है पूरा बना दे क्या हो जाएगा। अच्छा ऑफ कर लो, ये मोटे वाले छन्नी से मैंने छान लिया ताकि वो पूरा लिक्विड इसमें आ जाए, ये किसी काम का नहीं है मेरा, इसको तो मुझे फेंकना है। और इसमें थोड़ा सा शक्कर चीनी मिलाऊंगी इसलिए क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, फीका फीका लगेगा बेल का शरबत। लग रहा है ना जैसे मैंगो का जूस है पर मैंगो का नहीं है, अभी हम लोगों ने मैंगो जूस नहीं बनाया है क्योंकि नहीं बनाया है, अभी आज यही बनाती हूँ। हल्का सा चीनी रहेगा, पलक नहीं पिएगी इसलिए मैंने पलक के लिए नहीं निकाला है। अभी हम लोगों ने बेल का शरबत पिया और मुझे बहुत अच्छा लगा
बेटी लोग को पता नहीं क्यों नहीं पसंद पड़ता है, फिर भी थोड़ा सा मैंने मोमोज सोई थी, मोमो को भी पिला दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि छलनी में छान देने के बाद उसमें कुछ नहीं निकलता है तो अच्छा लगता है, वरना मुंह में वो सब आने लगता है, बीज हो क्या हो क्या हो जो भी। और पता है गर्मी के मौसम में इसको पीना भी चाहिए, पेट के लिए ना बहुत ठंडा देता है और हर समय मतलब पेट के लिए सुनती हूँ मैं बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो पीना ही चाहिए। लेकिन इन लोगों को नहीं अच्छा, पहले मैं भी नहीं पीती थी, पर ससुराल में गई तो देखा कि मेरी सासू माँ जो है ना पूरा बोरा बोरा खरीद लेती थी उसको गर्मी के मौसम में बनाने के लिए, तो मुझे वहीं से आदत लगा पीने का बेल का शरबत का। तो हस्बैंड जी पता नहीं कहाँ से मार्केट से लेके आए थे, तो मिल भी गया सस्ते दामों में, 15 रुपीज़ में पता नहीं कितना में, तो चलो बना लिया। अच्छा मेरे जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग भी देख देख के बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पे बंद करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ और आगे कर सकूँ। बाय बाय।